वर्षाणि क्षुत्पिपासे प्रिया प्रिये सुख दुखे इति द्वंद्वान् जयत् समदर्शना शीतोषण वात वर्षाणि क्षुत पिपासे प्रिया प्रिये सुख दुखे इति द्वंद्वान् जयत समदर्शना शीतोषाणवत वात वर्षाणि क्षुत पिपासे प्रिया प्रिये सुख दुखे इति द्वंद्वान्य जयत समदर्शना धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति विधान स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की शीत जाड़ा उष्ण गर्मी वात हवा वर्षाणी तथा वर्षा हुई क्षुत भूख पिपासे प्यास प्रिय सुहावना अप्रिय तथा ना अच्छा लगने वाला सुख सुख दुखे तथा कष्ट इति इसी प्रकार द्वंद्वानी द्वैत भाव को अजयत जीत लिया समदर्शना समदर्शी समदृष्टि रखने वाला तपस्या के द्वारा राजा मल्लध्वज धीरे धीरे शरीर तथा मन से जाड़ा तथा गर्मी सुख तथा दुख वायु तथा वर्षा भूख तथा प्यास अच्छा तथा बुरा इन द्वैत भावों के प्रति समान दृष्टि वाला हो गया। इस प्रकार उसने सभी द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर ली। तात्पर्य मुक्ति का अर्थ है संसार की द्वैतता से छुटकारा पाना। जब तक कोई स्वरूप सिद्ध नहीं होता उसे सापेक्ष जगत के द्वंद संघर्षों से गुजरना पड़ता है। श्रीमद्भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह सहनशीलता के द्वारा सारे द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करे। भगवान श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि जाड़ा तथा गर्मी जैसे द्वंद्व ही हमें इस भौतिक संसार में कष्ट पहुंचाते हैं। जाड़े में हम स्नान करना नहीं चाहते किंतु गर्मियों में हम दो तीन बार या अधिक स्नान करना चाहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि इस जीवन में इस प्रकार के द्वंद्व आए जाएं तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। इन द्वंद्वों में समदृष्टि रखने हेतु सामान्य मनुष्य को काफ़ी तपस्या करनी पड़ती है। जो जीवन के द्वंद्वों से विचलित होता है वह एक सापेक्ष स्थिति ग्रहण कर चुका होता है, अतः उसे शास्त्रों में वर्णित तपस्या करनी होती है जिससे वह इस भौतिक शरीर को लांघ करके इस भौतिक अस्तित्व का अंत कर दे।
राजा मल्लध्वज ने अपना गृह त्याग करके कुलाचल जाके पवित्र नदियों में स्नान करके केवल फल मूल पत्तियां जैसी वनस्पतियां खाके और पकाया हुआ भोजन या अन्न त्याग कर कठिन तपस्या की थी। यह अत्यंत कठोर अभ्यास है। आजकल घर छोड़कर किसी जंगल में या हिमालय में जाकर कठिन तपस्या करना अत्यंत दुष्कर है। एक तरह से यह असंभव जैसा है। यदि किसी से मांसाहार मद्यपान द्यूत क्रीड़ा तथा अवैध संभोग बंद करने हेतु भी कहा जाए तो वह ऐसा नहीं कर पाता। अतः यदि वह हिमालय या कुलाचल जाए भी तो वह क्या करेगा। इस युग में ऐसा त्याग कठिन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें भक्ति योग स्वीकार करने की सलाह दी है। भक्ति योग स्वतः मनुष्य को जीवन के द्वंद्वों से उबारेगा। भक्ति योग में श्री कृष्ण केंद्र बिंदु होते हैं और श्री कृष्ण तो सदैव दिव्य हैं। इस प्रकार द्वंद्वों को पार करने के हेतु मनुष्य को सदैव श्री भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, जिसकी पुष्टि श्रीमद्भगवता 14:26 में हुई है। माम चो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है और किसी भी दशा में नीचे नहीं गिरता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यदि वास्तव में कोई श्री भगवान की भक्ति भक्ति योग में लगा हुआ है तो वह स्वतः अपनी इंद्रियों अपनी जीभ और अपने अनेक वस्तुओं पर नियंत्रण रखता है। यदि एक बार निष्ठापूर्वक भक्ति योग में लग जाया जाए तो फिर नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं रहती। यदि वह नीचे गिरे भी तो भी कोई हानि नहीं होती। कुछ काल के लिए भले ही किसी के भक्ति कार्य में अवरोध आ जाए, किंतु जो ही उसे दूसरा अवसर मिलता है तो अभ्यास करता वहीं से उसे दोबारा प्रारंभ करता है जहाँ पर उसने छोड़ा था। ओम अज्ञानोतिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत ही शक्तिशाली हैं और बहुत सुंदर हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज के इस श्लोक में बताया जा रहा है कि राजा मल्लध्वज कुलाचल चले गए, उनकी पत्नी भी साथ में गई, और सर्दी गर्मी वर्षा वायु भूख प्यास अच्छा बुरा सुख दुख इन सब के ऊपर उन्होंने तपस्या के द्वारा विजय प्राप्त कर ली है ना। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मुक्ति का अर्थ है संसार की द्वैतता से छुटकारा पाना, है ना।
इस संसार में हम सब महसूस करते हैं उतार चढ़ाव, जो आज हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कल हमारी पिटाई करते हैं, जो अच्छा है आज सुख है कल दुख है। इस संसार में एक ही चीज़ स्थाई है, वो है परिवर्तन। हमेशा परिवर्तन होता रहता है हमेशा, और ये जो परिवर्तन है ये हमें बहुत चिंता देता है कि अभी जो है वो छूट ना जाए, और मालूम है छूट ही जाएगा और हमेशा दुखी रहते हैं हम। और हम सबका अनुभव होगा और हमने देखा भी होगा, बहुत से भक्त आते हैं बहुत अच्छे ढंग से भक्ति कर रहे होते हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि वो भक्ति से च्युत हो जाते हैं, भक्ति छूट जाती है। और अब हमने अपने जीवन में देखा होगा कि कई बार हमारी कोई अपमान कर दे या फिर बहुत कष्ट आ जाए तो हमारी इच्छा नहीं होती हमारे नाम का जप करें, भक्तों के संग में आए, मन उचाट हो जाता है, होता नहीं होता ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस बात को जानना कि कैसे संसार की हर परिस्थिति में संभव रहते हुए हम भक्ति करते रहें, क्योंकि ये तो संसार में रहेगा ही रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सारा संसार हमारे अनुकूल चलेगा, सब कुछ आइडियल कंडीशंस हो जाएंगी, है ना, जैसे साइंस में बोलते हैं लेबोरेटरी कंडीशंस में बिल्कुल परफेक्ट सब कुछ हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। कुछ ना कुछ ऊपर तो रहेगा, बिजनेस में अप डाउन होगा, हमारे मन में अप डाउन होंगे, स्वास्थ्य ऊपर नीचे होगा, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक क्लेश, कभी सुनामी कभी क्या तूफान, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा और उसका हमें प्रभाव भी पड़ेगा। तो कैसे इन सब द्वंद्वों के बीच में, द्वंद मतलब रिलेटिविटी, खुश सुख दुख भूख प्यास ये सब लगा ही रहेगा, इसके बीच में कैसे हम भक्ति करते रहें, छूटे ना भक्ति हमसे, इतना ये अनुपम उपहार है ये छूट ना जाए, इसको संभाल के कैसे रखें, ये श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य हमें समझाता है और आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो अगर हमने भगवत धाम वापस जाना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें नरोत्तम होना पड़ेगा। नरोत्तम प्रभु जी पक्का है जाना, नरोत्तम कोई हो गए तो भगवत धाम पहुँच गए। ये प्रभुपाद बताते हैं भागवत धाम के पहले स्कंद में विदुर जी के प्रसंग में, जब विदुर जी धृतराष्ट्र को प्रचार करते हैं और उनको बोलते हैं घर छोड़ के निकलो यहाँ से, तो उसके प्रसंग में बताते हैं कि पहले नरोत्तम कोई होंगे तो वो भगवत धाम जाएंगे, नरों में उत्तम, और नरोत्तम मतलब परमहंस की अवस्था में कोई होगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं परमहंस की अवस्था में कोई कैसे आ सकता है, परमहंस की अवस्था में आने से पहले सबसे पहले धीर होना पड़ेगा। धीर का मतलब क्या है, मात्र स्पर्शास्तु कौनते या शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पायन नित्य तां स्थितिक्षस्व भारत। उससे अगला श्लोक कौन सा है, यम हीना व्यथंती ते पुरुषम पुरुषर्षभा, है ना, सम दुख सुख धीरा स अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्वाय लिबरेट कौन होगा, भगवान के धाम कौन जाएगा, स धीरा जो धीर होगा, धीर कौन है, सुख और दुख में जो समान होगा। यम हीना व्यथंती जो व्यथित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा कि आज किसी ने मुझे मान दिया कल नहीं दिया, उसको ज़्यादा मान दिया मुझे कम दे दिया, मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, इससे कुछ परेशानी नहीं हो रही, वो धीर है और वही भगवत धाम जाने के योग्य है। तो सबसे पहली अवस्था है भगवत धाम जाने के लिए, अपने को योग्य बनाना है तो धीर बनना पड़ेगा, मिनिमम है ये। जो धीर बनता है वही आगे जाके संन्यास की स्थिति पर आता है। जब हम बोलते हैं संन्यास की स्थिति, उसका मतलब ये नहीं कि हमने घर बार छोड़ना है और सन्यासी का डंडा देना, वो नहीं। संन्यास मतलब चेतना से संन्यास, वो पूरा कर्मफल त्याग दे, है ना, अनाशिता कर्मफलम कार्यम कर्म करोति, या कर्मफल से अनासक्त होकर जो कार्य करे वो संन्यास है। तो उस अवस्था में कोई आएगा, उससे पहले क्या होना पड़ेगा, उसको धीर, और संन्यास के बाद वो परमहंस की अवस्था में आएगा, नरोत्तम बनेंगे तब वो भगवत धाम जाएंगे। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हम धीर बने, है ना। अब अपने आप को हम चेक करें, एक दिन कोई आ जाए हम मंदिर में आए, रोज हमें वो खुशी खुशी प्रणाम करता हो, हरे कृष्णा बोलता हो, एक दिन आपको किया ही नहीं, कैसा लगेगा, अरे क्या हो गया इसको, ये बड़ा बदतमीज़ है इसने हरे कृष्णा भी नहीं बोला, अच्छा क्या चक्कर है ना, प्रसाद की लाइन में बैठे हैं, यहाँ भी दो रसगुल्ले दे दी, यहाँ भी दे दी, आपको छोड़ दिया, अरे कमाल है, मेरे को ही छोड़ दिया, इतना मेरे से भेदभाव, ये कैसे अभी कोई गुस्सा आ जाएगा, नहीं जाऊँगा कल से यहाँ पे, होता नहीं होता हमारे साथ, हम तो तुरंत एकदम व्यथित हो जाते हैं। तो ये तो होता ही रहेगा, अरे ये भी होता रहेगा, माला कर रहे वही चल रहा होता, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसे की तैसे छोड़ूंगा नहीं उसको, ये चलता रहता है।
तो कैसे हम भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे, हम तो छोटी छोटी बात पर विचलित हो जाते हैं। तो उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को धीर बनना पड़ेगा। तो प्रभुपाद सिखा रहे हैं कैसे धीर बनना पड़ेगा। पहले ये जानना है कि ये संसार ऐसे ही है, इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। इस संसार की रचना ही ऐसे हुई है कि जो हम सब जीव हैं द्वंद्व में हैं ना, इच्छा द्वेष, कुछ अच्छा लग रहा है कुछ बुरा लग रहा है। पूर्व जन्मों के संस्कारों का बोझा लेकर हम आते हैं ना, और पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार इस जन्म में वही काम करते हैं जो हमें फिर से बांध देते हैं, फिर से संस्कार गहरे कर देते हैं, ये चलता जा रहा है। भगवद्गीता के तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं, इंद्र से इंद्रस्यार्थे राग देशो व्यवस्थितो तयोनवश्यम अगच्छेत ही अस्य परिपंथना। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौनिताय की जय। इंद्रिय इंद्रस्यार्थे, हर एक इंद्रिय का अपने इंद्रिय विषय के साथ कुछ राग द्वेष है। ये मुझे खाने में अच्छा लगता है, खाने में अच्छा नहीं लगता, ये देखने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता, ये सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता। हर एक इंद्रिय का इंद्रिय विषय के वजह से हमारी लाइक और डिसलाइक है, राग और द्वेष है। इसको व्यवस्थित कर देना चाहिए, इसको सेट कर देना चाहिए। ये व्यवस्थित नहीं किया, अगर इसके वश में हम आ गए तो हम भक्ति नहीं कर सकते, ये हमारी भक्ति को लूट लेता है। ये भक्त मुझे पसंद नहीं है, ये मैं इसके साथ सेवा नहीं करूँगा, ये भक्ति हमारे ख़त्म कर देता है। ये भक्ति के मार्ग के लुटेरे हैं, ऐसा राग द्वेष। इस द्वंद से बचना ही है अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो। ये अपने आप को हमें समझना पड़ेगा, इसका बहुत नुकसान है। और इसलिए कैसे करना है इसको, अब इसको टॉलरेट करना सीखना है। तो जो भक्त लोग नहीं हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं योगी जन हैं, वो उसको कैसे टॉलरेट करते हैं, अपने शरीर को ऐसा बना दो, सर्दी के अंदर ठंडे पानी के अंदर चले जाएंगे, यहाँ तक ठिठ उठते रहेंगे, कामेंगे, तपस्या करेंगे, गर्मी के अंदर अपने आप को आग में घेर लेंगे, ताकि हमारा शरीर एकदम एडियाबेटिक बन जाए। पढ़ते थे ना फिजिक्स में, ना टेम्परेचर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ना गर्मी का ना सर्दी का वैसे ही रहेगा। तो इस ढंग से भूखे रह के अपने शरीर को ऐसे ट्रेन कर लिया, मन को ट्रेन कर लिया, तो इस प्रकार की तपस्या से हृदय बड़ा कठोर हो जाता है। द्वंद्व को सहना, उतार चढ़ाव को सहना, ये नहीं कि हृदय कठोर हो जाए। आपको याद होगा पिछले अभी सर्दियों में, पिछले महीने परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज यहाँ पर आए थे, उन्होंने यही श्लोक लिया था, भगवद्गीता के 12वें अध्याय का 13वां श्लोक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, है ना, निर्भव निरहंकार सम दुखा सुखा क्षम, ये श्लोक लिया था। तो एक यूथ ने क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद हो, कि ऐसा कैसे संभव है, कोई इमोशंस ही नहीं है, सुख दुख हो रहा है, कोई द्वेष है नहीं है, ऐसे कैसे कोई जा सकता है कि बिना किसी इमोशंस के कोई। तो लोग ये समझते हैं कि संभव होना इमोशनलेस होना, पत्थर जैसे हृदय हो जाए, जो मर्जी हो जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। एक बार एक व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो गया, तो वो अपने वो गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी मैंने संन्यास लेना है। बोले क्या हो गया? मेरी पत्नी का देहांत हो गया, मेरी आँख से एक आंसू भी नहीं निकला, मुझे संन्यास दे दीजिए। गुरुजी ने बोला जाओ दोबारा विवाह करो। बोले क्यों दोबारा, मुझे क्यों घर की गृहस्थी में घुसे ढकेल रहे हो? बोले नहीं नहीं, तुम्हारा हृदय इतना कठोर है, जिसके साथ तुमने 20-25 वर्ष बिताए उसका देहांत हो गया, तुम्हारी आँख में आंसू भी नहीं आया, तुम कहाँ भक्ति कर पाओगे? जाओ अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है, दोबारा से विवाह करो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिया था तो विष्णुप्रिया बहुत रोड़ी थी, उनकी युवा पत्नी, उनकी माँ सच्ची माता द्वार पे बैठी थी, बिल्कुल बेचारी विधवा बूढ़ी अकेली हो जाएगी, खूब रो रही थी। और ऐसा नहीं कि महाप्रभु का हृदय कठोर था, महाप्रभु सच्ची माता ने बहुत उनको बताया, चैतन्य भागवत में हम पढ़ते हैं, सच्ची माता ने बोला तुम चले जाओगे तो मेरा जीवन चला जाएगा, पहले तुम्हारा बड़ा भाई चला गया, फिर मेरे तुम्हारे पिताजी चले गए, मैं अकेली हूँ, तुम्हें तुम्हारे सुंदर चेहरे को देखकर तो मैं जीवित रहती हूँ, तुम चले गए तो मैं क्यों जीवित रहूँगे। तो उसी तरह माँ बस निमाई पंडित सर झुका के बैठे रहे और उनके गला भी अवरुद्ध हो गया, वो कुछ बोल नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि उनके हृदय में इमोशंस नहीं आ रहे, वो अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर जा रहे हैं, उनको दुख नहीं हो रहा, उनको दुख हो रहा है, लेकिन एक बड़ा मिशन है सामने, उस बड़े मिशन के लिए उन्होंने उस सारे दुख को सहन किया। तो इन द्वंद्वों का सहने का अर्थ ये नहीं है कि कठोर हृदय के हम हो जाएं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं आज के टाइम में ये तपस्या नहीं कर सकते हम, जिस प्रकार तपस्या राजा मल्लध्वज ने की,
प्रभुपाद कह रहे हमें को ये बोल दे चार नियम का पालन करो, वो तो होते नहीं हमसे, उसमें हम इतना संघर्ष करते हैं। अब जाओ हिमालय में और ऐसी तपस्या करो, ये तो संभव ही नहीं है। अब तपस्या भी नहीं करेंगे और द्वंद्वों में भी पड़े रहेंगे तो जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे? तो एकमात्र तरीका है वो है कृष्ण भावना भावित होना, भक्ति योग का पालन करना। आप कह रहे हैं भक्ति योग का पालन करना, भक्ति तो नहीं होती द्वंद्वों के कारण, द्वंद आते हैं तो भक्ति नहीं कर पाते। बड़े सोल्यूशन क्या है? भक्ति करो। अरे प्रभु जी माला नहीं हो रही है, बोले माला ही करो, यही सोल्यूशन है। तो क्या कैसे समझे इस बात को? तो कुछ मैंने इस पर मनन किया तो 5-6 स्टेप्स मैंने सोचे हैं, 5-6 तरीके सोचे हैं जो हमें मदद कर सकते हैं कि जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आए तो उसको हम सहन करें और धीर बनने का प्रयास करें, है ना। ये आप भी कुछ बता सकते हैं, ये मुझे कुछ समझ में आया जो मैंने सोचा इसमें। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि कृष्णा कॉन्शियस होने से पहले ये आवश्यक है कि हम ड्यूटी कॉन्शियस हो जाएं, है ना। भक्ति को कम से कम एज ए ड्यूटी लेना चाहिए, है ना। जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं सुबह जल्दी उठना है तो उठना ही है भाई, ये ड्यूटी है। मंगल आरती में आना ये ड्यूटी है भाई। 16 माला का जप करना है तो ड्यूटी है, करनी है। रोज़ भागवत हम पढ़नी है, ये ड्यूटी है। मन हो या ना हो ड्यूटी करनी है। हम अपने ऑफिस में जाते हैं, ये थोड़ी मन की सुनते हैं मेरा मन नहीं हो रहा, नहीं, ड्यूटी है, करनी है। कई बारी बॉस की डांट भी पड़ी तभी काम तो करना है। तो भक्ति को एज ए पहले हम ड्यूटी लेना भी शुरू कर दें तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मन और शरीर की तपस्या आवश्यक है ना। भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान शरीर वाणी और मन की तपस्या बताते हैं। कुछ तपस्या के बिना तो भक्ति हो नहीं सकती, मनुष्य जीवन मिला ही तपस्या के लिए है। हम ऐसी तपस्या नहीं कर सकते जैसे कि बताया गया ठंडे पानी में चले जाएं, सर्दियों में, गर्मियों में आग में अपने आप को घेर लें, लेकिन कुछ तपस्या तो आवश्यक है। भगवान शरीर की तपस्या में बताते हैं कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य, अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है ना। अपने से बड़ों की सेवा करना, उनको प्रणाम करना, स्वच्छता रखना, ये शरीर की तपस्या है। प्रभुपाद जी के पास एक बारी गर्ग मुनि आए, बोले प्रभुपाद मैं इस भक्त को पसंद नहीं करता, मैं इसको प्रणाम नहीं करूँगा, ये मुझे बहुत दोगलापन लगता है, हिपोक्रेसी लगती है, मन में इसके प्रति गलत भाव है और मैं इसको प्रणाम करूँ, वांछा कल्पत्रु, मैं नहीं करूँगा इसको प्रणाम, है ना। मैं तो स्पष्टवादी हूँ, अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता, क्यों प्रणाम करूँ? प्रभुपाद ने बोला नहीं, प्रणाम करते रहो, हृदय के भाव बदल जाएंगे। आपको वो पसंद है या नहीं है आपकी तपस्या, उसको देख के प्रणाम करना, बस करो, धीरे धीरे करोगे तो आपके भाव बदल जाएंगे। तो ये करना है, कुछ भी हो जाए ये मेरी तपस्या है, भक्त दिखाई दिए मुझे पसंद है या नहीं, मुझे मुस्कुराना भी है, हरे कृष्णा भी बोलना, प्रणाम भी करना है, इसको देख के मुस्कुराऊँ, इसको देख के, हाँ जी इसको देख के मुस्कुराइए, ये आपकी तपस्या है, और इसको प्रणाम भी कीजिए, वांछा कल्पत्रु कीजिए। तो ये शरीर की तपस्या है, ये हमारी ड्यूटी है, इससे हम अपराध करने से बचेंगे, नहीं तो अपराध करेंगे, वही पसंद नहीं और भक्ति से बाहर, तो इसको सहन करना, इससे हम सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। उसी ढंग से वाणी की तपस्या बताई गई है ना। वाणी की तपस्या क्या है? सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुभ ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। सच्चे बोलना और ऐसे वाक्य ना बोलना कि दूसरे का हृदय विदीर्ण हो जाए ना, ऐसे तीर नहीं चलाने वाणी से, तो अपनी वाणी को संयमित रखना। हम देखते हैं भक्तों के बीच में कई बारी मतभेद भी हो जाता है, थोड़ा सा डिस्प्यूट भी हो जाता है, तो कोई थोड़ा सा भी सिंसियर भक्त होगा वो लड़ाई भी करेगा तो आप करके बात करके, प्रभु जी आप क्या कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं प्रभु जी ऐसा थोड़ी होता है ना, तू तड़ाक में नहीं आएगा और गाली गलोच नहीं करेगा, अगर थोड़ा सा भी भक्ति का सही ढंग से उसने पालन किया है तो इतना वो डिसेंसी रखेगा कि नहीं भैया गलत भाषा का उपयोग ना करूं, मैं अपने आप को एक जो आदर के भाव से ही अपने मत को प्रेजेंट करना है, या मैं उससे एग्री भी नहीं कर रहा, मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि गाली गलोच शुरू हो जाएगा, तो नहीं वो कोशिश करेगा, नहीं आप करके ही बात करेगा, तो ये एक वाणी की तपस्या है, है ना। आदरपूर्वक बात करना, किसी के ऐसे तीखे वाक्य ना बोलना कि उसका हृदय टूट जाए। ओके, फिर है मन की तपस्या। मन की तपस्या क्या है?
मन प्रसाद सौम्यत्म मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशोधित तपस मानस उच्यते। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम, जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन की पहली तपस्या क्या बताइए? संतोष। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। अक्सर हम समझते हैं मैं तब संतुष्ट हूंगा जब मेरी बात मानी जाए, जो मैं चाहता हूं वो मिलेगा तो मैं संतुष्ट हूंगा, जो मैं चाहता हूं वो नहीं मिलेगा कैसे संतुष्ट हो जाऊंगा, हो ही नहीं सकता। नहीं, संतुष्टि एक तपस्या है। तपस्या का अर्थ है इसको मुझे करना पड़ेगा, ये मेरा डिसीजन है। हम लोग एकादशी का व्रत रखा परसों हमने, तो एकादशी एक तपस्या है। ऐसा नहीं कि अपने आप एकादशी हो गई। हमने निर्णय लिया, हमने डिसीजन लिया कि आज ग्रेन्स नहीं खाएंगे, आज हम फास्टिंग करेंगे, ये हमारा तपस्या है। इसी ढंग से मैंने संतुष्ट रहना, ये मेरा डिसीजन है। कुछ भी हो जाए मैंने संतुष्ट रहना है, बस ये मेरी तपस्या है। मन को समझाना है संतुष्ट हो जाओ। मन तो कभी संतुष्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा संतुष्ट। हम देखते हैं वामन देव जी के प्रसंग में, जब वामन देव बलि महाराज के पास आए, है ना, उन्होंने बोले क्या चाहिए, बोले 3 पग जमीन। बलि महाराज ने बोला लगता है जितना तुम्हारा कद छोटा है वो बुद्धि भी उतनी छोटी है, देखते नहीं किससे बात कर रहे हो, कुछ भी दे सकता हूँ तुम्हें, पूरा ग्रह दे सकता हूँ, बोलो क्या चाहिए। जिसके मन और बुद्धि वश में नहीं है उसको पूरा ब्रह्मांड भी दे दोगे संतुष्ट नहीं रहेगा, तो मैं इसी में ही संतुष्ट। तो संतुष्टि की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अन्यथा असंतुष्ट रहने के तो बहुत से कारण दिख जाएंगे। ये मिल गया लेकिन ठीक नहीं मिला, ये है तो वो है, वो जानते हैं ना 99 का केस, किसी के पास कुछ हो ना कोई बात नहीं, एक थोड़ी सी चीज़ मिस हो जाए, बस वो क्यों नहीं मिली। उसी को जो पकड़ेंगे जो नहीं है मेरे पास, हम ये नहीं देखते क्या है हमारे पास। तो संतुष्टि की प्रैक्टिस ये तपस्या है कि मन को हमेशा हम संतुष्ट रखें। ओके, तो ये जब हमें प्रैक्टिस करते हैं, इस प्रकार से हम शरीर की, मन की और वाणी की तपस्या करते हैं, तो हम एटलीस्ट कर्तव्य परायण हो जाते हैं। भक्ति को ऐसे कर्तव्य समझ के भी कर लें, और फिर धीरे धीरे हमारे प्रतिदिन जप करना, 16 माला, मंदिर में आना, दर्शन करना, भागवतम पढ़ना सुनना, ये आदत पड़ जाती है, ये हमारी आदत में आ जाता है ना। और फिर कैसा भी समय हो, अच्छा हो बुरा हो, क्योंकि हमारी आदत हम इसको करेंगे ही करेंगे, और इस ढंग से हम उस समय को पार कर जाएंगे। लेकिन इसको हमने एज ए ड्यूटी भी नहीं किया और छोटी छोटी बात से हम प्रभावित होते रहे, तो फिर बहुत मुश्किल होता है इसको, हम कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए इस समय हम कर सकें। तो पहला था हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ड्यूटी कॉन्शियस हों। दूसरा है कि हम प्रैक्टिस करें, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर कोई वास्तव में भक्ति योग का पालन कर रहा है, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद लिख रहे हैं, वास्तव में अगर कोई भक्ति योग का पालन कर रहा है, वास्तव में भक्ति योग का पालन करने का अर्थ है वास्तव में भक्ति करते हुए हमने कृष्ण को केंद्र में रखा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण हमेशा ट्रांसेंडेंटल है, कृष्ण हमेशा दिव्य है। होता क्या है, हम देखते हैं कि भक्ति के 2 मुख्य लक्षण होने चाहिए उत्तमा भक्ति के, अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु का अर्थ है कि बिना किसी मोटिव के, और अप्रतिहता का अर्थ है बिना रुकावट के। अगर हम भक्ति किसी हेतु के साथ कर रहे हैं, किसी अपनी इच्छा के साथ कर रहे हैं, तो उसमें रुकावट आएगी आएगी, और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो कभी रुकावट नहीं आएगी, तो कृष्ण तो दिव्य हैं। कुछ और हमारा एजेंडा है तो वो एजेंडा पूरा नहीं हुआ तो भक्ति रुक जाएगी। भगवान गीता में बताते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, आर्तो, जिज्ञासी, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरदर्शव। कई बार लोग आते हैं भैया बिजनेस चल जाए या हमारे दुख दूर हो जाए, तो या तो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो बोले काम पूरा हो गया आप क्यों भक्ति करें, या इच्छा पूरी नहीं होती बोले कुछ और करें भक्ति छोड़ें। तो या तो सुख आ जाता है, इच्छा पूरी हो गई तो आने की आवश्यकता नहीं, भक्ति करने की जरूरत नहीं, काम पूरा हो गया। इच्छा पूरी नहीं हुई तो इच्छा पूरी हो ही नहीं रही तो कुछ और रास्ता पकड़े तो व्यक्ति छोड़ देता है। तो हेतु या तो पूरा हो गया तो छोड़ देंगे, हेतु पूरा नहीं हुआ तो भी छोड़ देते हैं, क्योंकि कृष्ण केंद्र में नहीं है, है ना। या फिर हम भक्ति कर रहे हैं और हम भक्ति करते हुए संस्था में हमें कुछ चाहिए, कुछ पोस्ट चाहिए, कुछ पोजीशन चाहिए, कुछ पावर चाहिए, वो नहीं मिलती तो चलो जी कहीं और चलते हैं, इसलिए लोग छोड़ देते हैं। या फिर उसने, हमने देखा ये कुछ लाइव केसेस देखे हमने जीवन में, या फिर वो कर रहा है अच्छे ढंग से भक्ति कर रहा है, कई बारी जीवन में ऐसा तूफान आता है, एक्सट्रीम
दुख आ जाता है, बहुत बड़ा दुख आ गया, या कोई एक्सट्रीम बहुत बड़ा सुख आ गया, तो व्यक्ति विचलित हो जाता है, वो इतना सहन नहीं कर पाता। हुआ एक दो बारी हमारे केस, ऐसे बहुत से मेरे मित्र थे, उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई ऐसे दुख आ गए वो संभाल ही नहीं पाए अपने आप को। अच्छे भक्त है ना, और कई बारी बहुत बड़ा सुख आ जाता है। एक युवा था, बड़ा अच्छा भक्त था, उसका एक कृष्णा कॉन्शियस भक्तिन से, लड़की से ही विवाह हो गया, दोनों भक्त हैं, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे थे, लेकिन इतने अच्छे थे कि अपने आप में ही खो गए, भक्ति छोड़ दी। इतना सुख दिया एक दूसरे को उन्होंने, भक्ति छोड़ गए, गायब हो गए एकदम। हम तो बड़े खुश थे, बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है, वो इतना अच्छा कम्बिनेशन खत्म। प्रभुपाद कहते हैं बॉय इज गुड, गर्ल इज गुड, एंड बोथ आर टुगेदर दे आर नॉट गुड। गायब हो गए दोनों, इतना सुख दे दिया एक दूसरे को। तो बहुत ज़्यादा खुशी भी टॉयलेट नहीं होती, और बहुत ज़्यादा गम भी टाइम वहीं टॉयलेट नहीं होता, व्यक्ति एकदम घूम जाते हैं, वो एकदम तूफान आता है उसमें उड़ जाते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक है, संसार तो ऐसे ही है। आज हम ठीक ठाक हैं, सुरक्षित हैं, अगले क्षण हो या ना हो कुछ पता नहीं है, कुछ हो जाए एक सेकंड में पूरा जीवन बदल जाता है। तो ये हम सोचते हैं, हम ग्रांटेड ले लेते हैं, मैं तो रोज़ माला करता हूँ, नहीं कुछ पता नहीं, कुछ ऐसा हो जाए, अच्छे अच्छे दिग्गज लोग विचलित हो जाते हैं। थोड़ा संभाल के रहना है, बहुत प्रार्थनाएं करनी है भगवान से कि भैया कुछ भी हो जाए मेरे को, और आप हमेशा भक्तों के संग में रखिए, हमेशा हरि नाम लेता रहो। तो इसमें क्या है कि कृष्ण को केंद्र में रखना, हमेशा कृष्ण को केंद्र में रखेंगे भक्ति करते हैं, हम देखें कौन केंद्र में है, किसकी प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ। तो कृष्ण केंद्र में अर्थ है कि जीवन के लक्ष्य को केंद्र में रखना। जिस प्रकार से एक परिवार में हम देखते हैं, भारत में होता है अक्सर, पहले तो होता ही था, हस्बैंड और वाइफ में कभी बनती नहीं है, है ना, झगड़े ही झगड़े चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इकट्ठे रहते हैं, क्यों, बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य तो रहते हैं। हमारे एक बार मंदिर में एक प्रभु जी और माता जी आए, वृद्ध थे, बोले हमने गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करनी है हमारी एनिवर्सरी के। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, 50 साल आपको इकट्ठे हो गए, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। बताइए क्या प्रसाद स्पॉन्सर करना चाहते हैं, क्या मेनू चाहिए आपको। प्रभु जी ने बोला ऐसा ऐसा चाहिए, माता जी बोला ये चाहिए, वहीं लड़ाई शुरू हो गया। तू मानती नहीं मेरी बात, तू नहीं मानती, ये हो गया वो हो गया। मैंने बड़ा अच्छा, 50 साल आपके निकल गए, बहुत बड़ी बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक छोटी सी बात में इतना बड़ा झगड़ा मेरे सामने मंदिर में हो गया, और आए थे 85 उसमें करने के लिए, क्यों इकट्ठे रह रहे हैं तब भी, क्यों, ठीक है मजबूरी है, बच्चे हैं, इनके फिर कुछ ठीक नहीं है इनके भविष्य के लिए, तो लक्ष्य रखा हुआ था। तो हम हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव में लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, भैया कृष्ण प्रेम पाना है कोई बात नहीं, भगवान कह रहे हैं सर्दी गर्मियाँ निकल जाएगा, टॉलरेट कर लो, है ना। गुरु साधु शास्त्रों के वचन को केंद्र में रखो। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, इतने कष्ट आए, प्रभुपाद बार बार जाते थे, चले जाऊँ वापस भारत चला ही जाता हूँ, कुछ हो तो रहने रहे यहाँ पे, लेकिन फिर उनको याद आते नहीं, गुरु जी के आदेश करना ही है, चैतन्य महाप्रभु के आदेश करना ही है। और जब हमारे गुरु इस पृथ्वी से चले जाएंगे तो बहुत आवश्यक होगा, बहुत हलचल मचेगी, तब हमें देखना चाहिए गुरु की वाणी सेंटर में रखें हमेशा, ये हमें बचाएगा। क्योंकि ये संसार बहुत बिविल्डरिंग है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्ते, इतना आसान नहीं है, हर तरीके से माया हमें टेस्ट करती है, हर तरीके से उठाएगी, पटकेगी, सब कुछ करेगी, और हर उसमें हम लेते रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना ज्यादा हम इस संसार के उतार चढ़ाव से व्यथित होते हैं, इसका मतलब क्या है, इससे क्या मालूम चलता है, अगर हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं छोटी बातों से, इसका क्या मतलब हुआ है, भक्ति भी कमजोर है, और क्या इंडिकेटर, और किस पे डिपेंड है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा देहात्म चेतना है, हम अपने आप को एक शरीर मानते हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा मिथ्या अहंकार बड़ा हुआ है, इसका मतलब मिथ्या अहंकार बड़ा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कृष्ण से द्वेष है। जितना ज़्यादा हम व्यथित हो रहे हैं छोटी छोटी बातों में, इसका मतलब उतने ज़्यादा हम द्वेषी है, सीधी सीधी बात है, ये सुनने में अच्छा नहीं लगा, फिर याद दिलाए द्वेष है बेटा तेरा ये, तभी तो इतना व्यथित हो रहा है। भागवत में हम देखते हैं दक्ष,
पूरा प्रजापतियों की सभा थी, यज्ञ की शुरुआत हो रही थी, ब्रह्मा जी बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं। जैसे ही दक्ष सभा में प्रवेश किया, इतना तेज था उसके शरीर से निकल रहा था, सब लोग खड़े हो गए, उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी और शिव जी बैठे रहे, ब्रह्मा जी तो उनके पिताजी हैं, वो नहीं उठे, शिव जी उनके दामाद हैं, लेकिन शिव जी उस समय समाधि में थे। बस क्योंकि उसको शिव जी से द्वेष था, छोटी सी बात कहता, देखो बुरा मत माना, मुझे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ, एटिकेट सिखा रहा हूँ सबको, ये जो सामने बैठा है ये शिव, इसका नाम शिव है, बहुत अशुभ है, मृगलोचन, इसकी आंखें बंदर की तरह है, मैंने पता नहीं क्यों ब्रह्मा जी कहने पे अपनी अच्छी सुशील लड़की को इसको दे दिया, ऐसी ऐसी गालियां दी उसको, इतना द्वेष निकल के आया। छोटी सी बात क्या है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। हालांकि शिव जी तो आत्माराम है, वो तो वहीं पे परमात्मा भी मनन कर रहे थे, ये नहीं देखा उसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया, मुझे आदर नहीं दिया। छोटी सी बात पे इतना हर्ट हो गए। इसी ढंग से श्रृंगी को देखते हैं, परीक्षित महाराज जी को श्राप दे दिया, छोटी सी बात पे इतना बड़ा श्राप, मृत्यु दंड, कोई ईगो हर्ट हो गई, अहंकार पे ठेस पहुंचे। तो जितना बड़ा अहंकार समझो, इतने बड़े हम द्वेष कर रहे हैं भगवान से। इसलिए हमेशा कृष्ण को केंद्र में रखना, अपने जीवन के लक्ष्य को केंद्र में रखना, गुरु साधु शास्त्रों के वचनों को केंद्र में रखने से हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उसको हमें सहन करने की शक्ति मिलेगी, एक रास्ता दिखाई देगा। ये तो दूसरा। तीसरा जो चीज़ हेल्प कर सकती है हमें, हम अपने जीवन में ही देखें, कभी लग रहा होता है यार बहुत कष्ट चल रहा है इस समय जीवन में, घर में इतनी समस्या चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, तो अपना पास देखें, पास में भी ऐसे हमारे जीवन में बहुत से कष्टमय परिस्थितियाँ आई है। जब छोटे बच्चे होते थे, एग्ज़ाम के दिन होते थे और कुछ तैयारी नहीं हुई तो ऐसा लगता था ख़त्म हो गया जीवन पूरा, और कई बार ऐसा होता था ऐसा क्वेश्चन पेपर आ जाए बिल्कुल समझ नहीं आया, जो छोड़ के आया था मैंने तैयारी नहीं की थी वही पहला क्वेश्चन होता है, कई बार भक्ति घबराया था, होता नहीं किसी ने देखा होगा ना ऐसे, देखते क्या हो गया मैं फेल हो गया तो पूरा जीवन समाप्त, वो टाइम भी निकल गया, अब लगता है क्या छोटी सी बात पर घबरा गए थे, इतना बच्चे खेलते कूदते हैं, किसी ने हमारा बैट तोड़ दिया, खिलौना तोड़ दिया, बच्चे को लगता है मेरा जीवन समाप्त हो गया, उसके लिए सबसे बड़ा दुख है, दुखों का पहाड़ टूट गया उसके ऊपर, बाद में कोई कष्ट नहीं है, इसमें क्या हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो अभी चल रहा है समय, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। इसलिए तो भगवान ने बोला सर्दी गर्मी की तरह आते हैं, हमेशा थोड़ी सर्दी रहेगी, देखना 15 दिन के बाद सब स्वेटर वगैरह हमारे उतर जाएंगे, बहुत गर्मी हो रही है, तो सर्दी गर्मी की तरह ये समय आए ये भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस थोड़ा टॉलरेट कर लो। तो क्या चीज़ हमें हेल्प करेगी, तो बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, चैतन्य चरण प्रभु का एक आर्टिकल था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगा मुझे, वो कह रहे थे डू नॉट एटर्नलाइज द प्रेजेंट रादर बी प्रेजेंट इन द एटर्निटी। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, डू नॉट एटर्नलाइज द प्रेजेंट, जो हमारा प्रेजेंट है इसको एटर्नल मत बना दो कि ऐसा ही चलता रहेगा जी, ये तो मेरा अभी बिजनेस डाउन है या मेरा स्वास्थ्य डाउन है, ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो और ही खराब होगा, इसको एटर्नल मत बनाओ, रादर क्या करो बी प्रेजेंट इन द एटर्नल। एटर्नल क्या है, मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, मैं जीवात्मा हूँ, मैं सच्चिद आनंद हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ, मेरा इस संसार से कुछ लेना देना ही नहीं है, इस स्थिति में अपने आप को स्थित करो, तो ये हमें मदद करता है कि उस समय को मैं सहन कर सकूँ, राइट। ये था तीसरा। चौथा था जो हमें मदद कर सकता है कि हम अपने कोई ऐसी सेवा ले लें और उसमें पूरा अपने आप को एब्जॉर्ब कर लें। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जयानंद प्रभु, वो इतना अपने आप को सेवा में व्यस्त रखते थे कि किसी ने बोला जयानंद प्रभु लोग आपके बारे में ये बुराई कर रहे हैं, तो बोले यार समय किसके पास है, मेरे पास इतनी सेवाएं करने को हैं, मैं सुनता रहूं कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, फिर मैं उसके लिए योजनाएं बनाऊं, फिर मैं उसको काउंटर करूं, इतना समय किसके पास है, मेरे को इतनी सेवाएं करनी है, बस सेवा कर रहे हैं बस। इसी ढंग से प्रभुपाद जी के शिष्य हैं विजय प्रभु, बहुत अच्छे वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर मिनिस्टर हैं, तो बोल रहे हैं जब हम सेवा करते रहते हैं तो हमारे जीवन में जो नकारात्मक परिस्थितियां भी आती हैं उसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे हम नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हैं। और उन्होंने बोला कि टॉलरेट करने का अर्थ है, सहन करने का अर्थ है नेगेटिव को पॉजिटिवली डील करो। बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने अपने जीवन से। बोले एक बार मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था तो मैं कुछ लोगों के पास किया, मैंने आप पुस्तकें लीजिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया हम पुस्तकें नहीं लेंगे, हम क्रिश्चियन हैं, पूरा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, ये चुपचाप वहाँ से चले जाते, ये मुस्कुराए, अरे वेरी गुड आप क्रिश्चियन हैं,
बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के, इसका मतलब आप नास्तिक नहीं हैं, है ना, आपका भगवान में विश्वास है। आजकल देखिए नास्तिकवादी कितना बढ़ता जा रहा है, तो मैं भी आपकी तरह हूँ, मैं भी भगवान को मानता हूँ, आप भी भगवान को मानते हैं, कितनी अच्छी बात है। और देखिए मैंने अब तक आपको क्यों अप्रोच किया, बोले क्यों अप्रोच किया, क्योंकि आपके यहाँ से बहुत अच्छी एनर्जी निकल रही है, है ना, आपके यहाँ बहुत अच्छा ऑरा है। और क्यों अच्छी एनर्जी निकल रही है, क्योंकि आप भगवान को मानते हैं, तो हम चाहते हैं सबके अच्छा ये अच्छी एनर्जी को फैलाएं। ये पुस्तकें लीजिए, पढ़िए, इसको खूब फैलाएं। उन्हें खूब अच्छी पुस्तकें भी ले ली, बहुत डोनेशन भी दिए। तो कह रहे देखिए किसी नेगेटिव सिचुएशन थी उसको हमने कैसे कर दिया, पॉजिटिव किया। क्यों, मैं को पक्का था कि पुस्तकें मैंने बांटनी है, सेवा में एब्जॉर्ब है। तो सेवा में हम जब एब्जॉर्ब होते हैं तो हम जो भी संकट आए उसको हम सहन कर सकते हैं। अगर कोई सेवा में हमारे को एब्जॉर्प्शन नहीं है तो छोटे छोटे संकट से हम विचलित हो सकते हैं। तो ये था चौथा। और पांचवा है कि पूरी श्रद्धा हमें होनी चाहिए कि कृष्ण और गुरु मेरे हितैषी हैं। कई बार हम तो जय गुरुदेव करते हैं, जब तक गुरुजी हमारे मन की बात पे टिक टिक करते रहे, जो हम चाहते हैं गुरुजी बोलते वेरी गुड करो, तो वेरी गुड गुरुजी बहुत अच्छे हैं, जय गुरु महाराज, बस बस आप सब कुछ हैं। और थोड़ा सा ऐसी बात कह दी जो कि हमारे मन के प्रतिकूल है, तो गुरुजी तो किसी और को प्रेफरेंस देते हैं, है ना, पहले भी ऐसा किया था, फिर सारी अच्छी बातें भूल जाते हैं। गुरुजी पार्शल हैं, पता नहीं क्या गुरुजी को किसी ने कान भर दिए हैं या क्या हो गया, हमको समझ नहीं रहे, है ना, गुरु हमें पसंद ही नहीं आते, लोगों का कृष्ण से विश्वास उठ जाते हैं, है ना, मैंने इतना कुछ किया कृष्ण मुझे दिया क्या। शुरू शुरू हमारे एक भक्त आते थे यहाँ पे, नए नए जुड़े थे, जन्माष्टमी में आए, मैंने कहती सेवा करनी में कर लो, देखा सब लोगों ने व्रत रखा हुआ है निर्जला, कहता मैं भी रखूँ, रख लो पूरा निर्जल व्रत रखा हुआ, उसने खूब सेवाएं की। उसके बाद चले गए घर में वो 12 बजे रात को, अगले दिन से गायब, आए नहीं, काफ़ी दिन बीत गए, क्या हो गया, फ़ोन किया उसको, प्रभु जी दिखाई नहीं दिया आप तो काफ़ी दिन हो, क्या हो गया, अरे छोड़िए प्रभु जी बहुत हो गया, अब तो नहीं आएंगे हम, क्या हो गया भाई कुछ तो बता दो, बड़ी मुश्किल से बता ही नहीं रहे थे, बहुत बताया, बोले भगवान ने दिया ही क्या हमें, हुआ क्या बता तो दो, बोले पूरा दिन उनके जन्मदिन पे हमने व्रत रखा, भूखे प्यासे रहे, इतनी सेवा की, वापस आया मैंने घर में कुछ खा लिया, मेरे पेट में इतनी ज़ोर से दर्द हुआ, जन्माष्टमी के दिन मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, 2 दिन तक एडमिट रहा, क्या रक्षा की भगवान ने मेरी, इसके लिए मैंने इतना कुछ किया, भगवान ने कुछ दिया नहीं, छोटी सी बात पे नहीं आऊँगा मंदिर। तो बहुत समझाने का प्रयास किया, धीरे धीरे समझे, तो छोटी सी बात, ऐसे कुछ भी हो जाए किसी घर में, और हमारे भक्त थे, उनके घर में जगन्नाथ जी थे, उनके घर में उनकी बेटी की शादी थी, और घर में एक मेड सर्वेंट थी, उसने सारे रहस्य खोल दिए, डाकू आ गए घर में रात को, और सबको बांध के पूरा का पूरा ज्वेलरी कैश सब उठा के ले गए, और बड़े परेशान। और तब तो उन्होंने बोला ठीक है जगन्नाथ जी रक्षा कर दिए, हमारी जान तो बच गई, बाद में लोग आए, पड़ोसी आए, आपके साथ ऐसा हो गया, घर में भगवान है फिर भी इतनी बड़ी बात हो गई, भगवान ने रक्षा नहीं की आपकी, ये तो सोचा नहीं हमने। हमने दीक्षित भक्त हैं, जगन्नाथ जी घर में हैं, और बेटी की शादी होने थी, डकैती पड़ गई, भगवान ने रक्षा नहीं की, डाउन हो गए। लोग बोलते हैं ना, सब आसपास बोलते हैं क्या फ़ायदा हुआ आपका, हरे कृष्णा करते रहते हो, घर में भगवान भी रख लिया, ऐसा हो गया, विचलित हो जाते हैं। ये सब जो हम बातें कर रहे हैं अभी तो खाली बातें कर रहे हैं, हमारे जीवन में थोड़ा सा कुछ हो जाए बड़ा मुश्किल है संभालना, क्योंकि ईगो इतनी बड़ी होती है हमारी। लेकिन कुछ पॉजिटिव केसेस भी मैंने देखे जिससे बड़ा उत्साह बढ़ा। हमारे कांग्रेशन में एक भक्त हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत सेवा करते हैं, अच्छे प्रचारक भी हैं, अच्छे धन भी डोनेट करते हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं कई सालों से। और 2-3 साल पहले उनको अचानक बिजनेस में, बड़े लोग होते हैं बड़ा काम होता है, 100 करोड़ का लॉस हो गया, सब कुछ बिक गया, 100 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता, ऐसा लॉस एकदम। फिर वो आए बातचीत की, मैं प्रभु ये बड़ा आपका टेस्टिंग टाइम है, बस आप बस पकड़ लो, हमेशा भक्तों के संग में रहना, और बाप और बेटे दोनों थे, एक दूसरे से लड़ाई मत करना, तुम्हारे कारण हुआ तुम्हारे कारण हुआ, जो भी हुआ लगे रहो, बस हो जाएगा ठीक, गुरु महाराज के पास है, गुरु महाराज ने ये समझाया। तो अभी ऐसा नहीं कि उनको 150 करोड़ वापस मिल गए, चल रहा है केस वेस सब चल रहा है, लेकिन हिम्मत की बात है उनकी,
कोई उनको डिप्रेशन नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, इतने ऊपर स्थिति से इतने नीचे आना, लेकिन फिर भी वही सेवा उसी उत्साह से प्रचार, उतना ही सब कुछ। और वो खुद कहते हैं कि भक्तों के संग ने हमें बचा लिया, भक्तों के संग में हम आते रहे, भक्तों के संग में सारे चलते रहे, 16 माला करनी करनी है, प्रचार करना ही करना है, भगवगीता बांटनी ही बांटनी है, और जो हर साल जितनी भगवगीता वो बांटते थे उतनी से ज़्यादा बांट रहे हैं, और जिन बिजनेस में जिन लोगों ने उनको धोखा दिया उन लोगों से वो गीता स्पॉन्सर कराते हैं। वो खुद कहते हैं आप किस मिट्टी के बने हो, बोले हम नहीं हैं, ये भक्तों के संग ने हमें बचाया हुआ है। बोले वो आपका हमारा लिए देना कोर्ट में केस अलग चल रहा है, ये गीता पहले भी आप स्पॉन्सर करते कीजिए। कमाल के इतना मतलब कि भक्ति में विश्वास बढ़ गया कि वास्तव में भक्तों के संग में इतनी शक्ति है कि भक्तों के संग में रहें, भक्ति के प्रैक्टिस करते रहें, ये उतार चढ़ाव निकल जाएंगे। ये संसार है ही ऐसा, इसमें सारा सपना है, ये गुड ड्रीम एंड बैड ड्रीम। सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अच्छा सपना है, कुछ बुरा चल रहा है तो बुरा सपना है, ये सब सपना ही। भक्तों के संग में रहते हैं तो वास्तविकता में रहते हैं, ये सच्चाई है। भगवान के धाम जाना सच्चा हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से ये कुछ हमने 5 स्टेप्स चर्चा की, 5 तरीके क्या क्या थे। पहला क्या था, ड्यूटी कॉन्शियस हो जाए। हाँ, ऑस्टेरिटी ड्यूटी कॉन्शियस हो जाएंगे तो हमें हेल्प करेगा। दूसरा, हाँ वो से ड्यूटी कॉन्शियस बनाएं, कृष्णा को सेंटर में रखें, गुरु साधु शास्त्रों को, वचनों को, जीवन के लक्ष्य को। और तीसरा, अपने एटर्नल पोजीशन पे ध्यान दें, इस अपनी वास्तविक स्थिति को सनातन तक समय तक नहीं चलेगी, ये बदल जाएगी। चौथा, अपने आप को किसी सेवा में अब्सॉर्ब रखें। और पाँचवा, दृढ़ विश्वास रखें गुरु और कृष्ण मेरे हमेशा हितैषी रहेंगे, तो हमेशा भक्तों के संग में रहते हुए हम प्रयास करते रहें। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? यस प्रभु जी, आपने जो 5 स्टेप बताए हैं, स्टेप क्या तरीके हैं, अलग अलग कोई भी हेल्प कर ले हमें। हाँ, तो वो मतलब स्टेप वाइज है, क्योंकि गुरु पे पूरा विश्वास रहना और कृष्ण पे विश्वास रहना वो तो एक थोड़ा टाइम के बाद आता है। तो ये आपने जो बताया वो स्टेप वाइज है कि यानी साइमल्टेनियसली हम लोग सब फॉलो साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, उसको स्टेप के रूप में एटलीस्ट पहले हम ड्यूटी के रूप में शुरू करते हैं। पहला स्टेप तो ये कर ही सकते हैं कि एज ए ड्यूटी जो भी हम कर रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं भी हो रही उस समय, नहीं ये मेरी ड्यूटी है, आई हैव टू मेक इट एज ए गुड हैबिट। सुबह तो उठना ही उठना है, मंगल आरती तो करनी ही करनी है, 16 माला तो करनी ही करनी है। जैसे आप देखते हैं ना, जो व्यक्ति नशेड़ी है जिसको शराब पीने की आदत है, तो हमने देखा उसके घर में किसी की मृत्यु भी हो जाती है ना, वो इधर जाके थोड़ा सा लगा ही आते हैं, रह ही नहीं सकता इसके बिना में, चलता रहे घर में जो मर्जी हो रहा है जी हो रहा है, मेरे को पीनी है तो पीनी है, आदत है जी मेरी, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। करते हैं, देखा होगा आपने भी लोगों ने, जिसको आदत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, तो मंगल आरती में उठना तो मेरी आदत ही है, जप करना तो इस 16 वाला तो करनी करनी है, भागवतम सुननी सुननी है, एज ए ड्यूटी कर लें, उसमें थोड़ा मन परेशान भी हो रहा है उसको संतुष्ट कर दें, शरीर में भी दिक्कत हो रही है, प्रणाम तो करना ही करना है, ये पसंद इसी ने मेरे को धोखा दिया, नहीं प्रणाम तो करना ही, भक्त है प्रणाम करो, ऐसा लग सकता ना, मैं एक व्यक्ति ने मेरे अगेंस्ट चला गया, इसने ये किया वो, नहीं ये भक्त है इसको प्रणाम तो करना ही चाहिए, करो। तो इस ढंग से एज अ ड्यूटी लेकर चलेंगे तो हम धीर बन सकते हैं, उसमें हम संभव रह सकते हैं। नहीं नहीं, इट्स नॉट सो ओके, भगवान के बारे में ऐसे मजाक नहीं कर सकते, डिपेंड करता है किस तरह का और कितना मजाक कर रहे हैं। वी कैन ऑलवेज रिलेट विद कृष्णा, कृष्ण से हम रिलेट कर सकते हैं, बट सहज भाव नहीं होना चाहिए, सहज्य की तरह नहीं होना चाहिए, बहुत चीपली बात नहीं होनी चाहिए। यस पूछिए। अच्छा, तो जो मैंने पूछा था एक प्रश्न किसी से, तो उन्होंने मुझे अच्छा आंसर दिया, जितना हम भागवतम को सुनेंगे, भागवतम को पढ़ेंगे, इतने महान महान चरित्र हैं,
परीक्षित महाराज को इतना अपमान हुआ, इतना श्राप मिल गया, इन्होंने इसको वरदान समझा। प्रहलाद महाराज पर इतने अत्याचार हुए, जितना इनके बारे में सुनते हैं, इनके बारे में मनन करते हैं, तो ये गुण हमारे में आने शुरू हो जाते हैं, है ना। इसीलिए भागवतम नित्यम भागवत सेव्या है, सुनेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इस पर मनन करेंगे, तो हमारे जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट आएगा तो हमको याद करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे, है ना। तो एक तो भागवतम का है, और दूसरा जो हमने कुछ चर्चाएँ की, फिलॉसफी भी हेल्प करती है। फिलॉसफी जाने कि मैं तो आत्मा हूँ, इस संसार का स्वभाव ही ऐसा है, यहाँ तो उतार चढ़ाव रहेगा ही रहेगा, आत्मा का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। ये शरीर ख़त्म हो गया, सारे सपने ख़त्म, अभी नया सपना शुरू, नई फिल्म शुरू, है ना। तो फिलॉसफी भी हमें हेल्प करती है, और भागवतम के चरित्र भी हमें हेल्प करते हैं। दैट वे, और खुद अपने आप को देखें, छोटी छोटी बातों में हम कितने विचलित होते हैं, तो अपने आप को भी देखते रहेंगे तो हेल्प मिलेगी, नहीं मुझे से ऊपर उठना है तो हम अपने आप पे भी मेहनत करेंगे। और कुछ? यस बोल। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि अभी देहात इस देह में है, तो देहात में चेतना होना स्वाभाविक है, और ईर्ष्या द्वेष भी स्वाभाविक है, यस। इसीलिए हम संसार में, इसलिए इस देह में हैं। तो पूरी जो हमारी साधना भक्ति है, साधना भक्ति हमें मिथ्या अहंकार से सच्चे अहंकार की तरफ ले जाने के लिए है। मिथ्या अहंकार क्या है? कि मैं शरीर हूँ और इस शरीर से जुड़ी वस्तुएँ मेरी हैं, ना, मैं और मेरा, अहमता और ममता, ये मिथ्या अहंकार है। अहंकार मतलब अहमता ममता, मैं क्या हूँ और मेरा क्या है। मिथ्या अहंकार क्या है? मैं शरीर हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ और ये मेरा है। सच्चा अहंकार क्या है? मैं कौन हूँ? मैं कृष्ण का दास हूँ, और मेरा क्या है? कृष्ण मेरे हैं। तो पूरी जो साधना भक्ति हम कर रहे हैं मिथ्या अहंकार से असली अहंकार की ओर बढ़ने के लिए। अहंकार तो रहेगा ही रहेगा, हमारा अस्तित्व तो रहेगा ही रहेगा। तो मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का दास हूँ, और कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण मेरे हैं। तो ये साधना से आएगा, है ना। तो साधना का पूरा प्रोसेस है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो जितना अच्छे ढंग से इसको पालन करेंगे, अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, तो फिर हमें सच्चे अहंकार पे आ जाएंगे। भाव तक आते आते हमें अपना स्वरूप का आभास हो जाएगा, हमारा सच्चा अहंकार आ जाएगा, फिर आगे चलेंगे, है ना। सीधा साधना अच्छी करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप बोल रहे हैं कि जब इंद्र जी अपने अहंकार को नहीं रोक पाए तो हम कैसे रोकेंगे अपने अहंकार को, है ना। तो वही मैंने इनको बताया ना, तो जैसे इंद्र का उद्धारण दिया गया है, ऐसा नहीं कि इंद्र जी की स्थिति हमारे से भी गिरी हुई है। इंद्र जी बहुत उन्नत भक्त हैं, और इंद्र जी के जीवन में थोड़ा बहुत ये दोष दिखाया जाता है भागवतम में, हमें सिखाने के लिए, है ना। इंद्र जी की स्थिति कोई छोटी नहीं है, ओके। तो हमें सिखाया जाता है कि सावधान रहिए, इंद्र जी के साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी होगा, तो सावधान रहना। और भक्ति में बहुत शक्ति है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगर वास्तव में अच्छे ढंग से हम भक्ति करें तो इस सारी इन कमियों से हम ऊपर उठ सकते हैं। बस भक्ति करते हुए क्या रखना है? कृष्ण को केंद्र में रखना है, और कोई उल्टा सीधा एजेंडा आ रहा उसको साइड में करो, गुरु के वचनों को, गुरु साधु शास्त्र के वचनों को सेंटर में रखो, तो फिर हम बड़ी जल्दी से इस मिथ्या अहंकार से ऊपर उठ जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत फ्रीक्वेंसी में होता है, तो ऐसी
प्रभु जी का प्रश्न है कि जब हमारे मन के हिसाब से बात पूरी नहीं होती गुरु कृष्ण पर ही संशय होने शुरू हो जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है उससे ऊपर कैसे उठें। श्रद्धा की बात है और ये श्रद्धा पक्की होगी साधु संग में और अच्छे ढंग से उनकी आज्ञा का पालन करते रहें और बार बार अपने को याद दिलाते रहें। जितना हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, कृष्ण की स्थिति अद्वितीय है, कृष्ण अच्युत हैं, कृष्ण उनमें अपनी स्थिति से गिरते नहीं, तो जितना ये हमें विश्वास होगा है ना, अच्छे ढंग से श्रवण करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे और ऐसा कभी संशय आ रहा है तो तुरंत वरिष्ठ भक्तों के पास जाके इसका तुरंत निवारण कर लें, है ना, तुरंत इसका निवारण करा लें, उस संशय को बना के ना रखें, वो हानिकारक हो सकता है। अच्छा प्रश्न है। मैनेजमेंट की सेवा मिलती है हमें तो कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी तो है ही, और अब तो आपको मिल भी गया, पक्का ऑथराइज हो गए, तो फिर कई बारी हम भक्तों को कुछ समझते ही नहीं, रोनते हुए चलते हैं आगे और बहुत ज़्यादा हम वैष्णव अपराध भी कर बैठते हैं। तो इसीलिए जब भी हमें कोई इंचार्ज बनाया जाता है या मैनेजमेंट की सेवा मिलती है, खूब प्रार्थनाएँ करनी चाहिए, हमें बहुत सावधान होना चाहिए, बहुत सावधानी से बढ़ना चाहिए। और हमारा यह आंदोलन ऐसा है, हम जैसे ही आते हैं तुरंत किसी को इंचार्ज बना देते हैं और उसको भी अच्छा भी लगता है, वो करते उस कई बार इंचार्ज बनने से उसको इंस्पिरेशन भी मिलती है और वो जिम्मेवारी भी लेता है, जिम्मेवारी लेनी भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि जो भक्ति है इट्स लाइक ए डबल एजेड स्वॉर्ड, है ना, दोनों तरफ शूरस्य धारा निश्चितो भयावह, बहुत एक शूर की धारा पर चलने के समान है, तलवार की धार पर चलने के समान है। तो जिम्मेवारी लेना भी बहुत ज़रूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि मेरा मिथ्यांकार तो नहीं बढ़ रहा, मैं लोगों को कंट्रोल तो नहीं कर रहा, तो इसमें बहुत ही प्रार्थना करते हुए और अच्छी साधना जब रखते हैं, श्रवण कीर्तन अच्छे ढंग से करते हैं, अपने आप को दासों का दास मानते हुए हम सेवा करें, मैनेजमेंट नहीं समझना चाहिए अपने आप को, मैं मैनेज कर रहा हूँ, हमें जानना चाहिए कि ये वैष्णव सेवा है, मुझे भक्तों का दास बनने का मौका मिला है। मैनेजमेंट जो सेवा होती है वो थैंकलेस होती है, आपको ये अच्छा करोगे कोई ये नहीं बोलेगा अच्छा किया, गलती पकड़ के तुरंत आपको बताया जाएगा, फीडबैक मिलेंगे, कोई बात नहीं मेरे को सुधारने के लिए है। तो इसमें बहुत टॉलरेंस चाहिए, बहुत अच्छी साधना चाहिए, बहुत सावधानी से बरतना है, इसमें सावधान नहीं रहे तो भक्ति में आगे बढ़ने की जगह हम कहीं अपराध कर बैठेंगे, है ना, सावधान होना जरूरी है, राइट, यस। यस प्रभु जी, ये अब थियोरी बता सकता हूँ, चर्चा की बात है कि जीवन में कृष्ण की कृपा, जो मुझे लगता है हम सब ये सारा जो एटीट्यूड है हमारा, जो एटीट्यूड पॉलिश होता है, रिफाइन होता है, ये भक्तों के संग में ही होता है। जिस तरह से हम बैठते हैं अभी भागवतम पे, हम ऐसे चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, तो इससे हमारा एटीट्यूड जो है पॉलिश होता जाता है, है ना, और फिर हम कृष्ण को समझना, हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती है, और जितना हम शास्त्रों को, प्रभुपाद के तात्पर्य को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, तो कृष्ण की वास्तविक स्थिति उनकी कृपा से, गुरु की कृपा से हमें स्पष्ट होती जाती है, और फिर तो फिर हमें कृष्ण की कृपा ही कृपा दिखेंगी हर जगह। और दूसरा, जो हमारे साथ अच्छा हुआ एटलीस्ट उसके लिए तो हम ग्रेटफुल रहें ना, तो हम कभी मेरी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं करते, डेली भगवान के सामने आए तो उनको धन्यवाद देना ही चाहिए कि रोज़ मुझे आप दर्शन दे रहे हैं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। हम समझते हैं मंगल आरती में आना बड़ी असाधारण सी बात है, मैं रोज़ मंगल आरती में आ पा रहा हूँ आपके सामने, ये बहुत बड़ी बात है,
मैं रोज जप कर पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस ढंग से अगर हम कृतज्ञता की प्रैक्टिस करेंगे तो जब हमारे प्रतिकूल, हमारे हिसाब से प्रतिकूल समय भी आएगा तो उसको हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। अभी तो हम जो हमारी अनुकूल चीज़ें चल रही तब भी हम कृतज्ञता नहीं प्रकट नहीं करते, तो प्रतिकूल की तो बात तो छोड़ ही दो, हम वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड कि ये तो होना ही था, तो वो ना करके इसमें भगवान की कृपा, जब अपने अनुकूल टाइम में कृतज्ञता की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे प्रतिकूल टाइम में भी उस कृतज्ञता की प्रैक्टिस करने का हमें प्रैक्टिस ही हो जाएगी, एक स्ट्रेंथ मिल जाएगी। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे शिला प्रभु।